हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम देखेंगे SOF नेशनल साइबर ओलंपियाड क्लास फिफ्थ के लिए लॉजिकल रीजनिंग। इसे मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन अरेंजमेंट। सो 11th एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 एलिमेंट राइट एंड ऑफ 6, फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ 6th इज टी 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टी। क्वेश्चन नंबर टू, इन द शटन कोड लैंग्वेज 6435 इज रिटन एज 5526, हाउ विल 8245 विल रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ऑप्शन ए 9136, ऑप्शन बी 7336, ऑप्शन सी 7154 एंड डी ऑप्शन 9154। बी सॉल्व देम। बी हैव 6435 इज इक्वल टू माइनस वन, 5 प्लस 1 5, माइनस 1 2 एंड प्लस 1 6। सो सिमिलरली 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 5 प्लस 1 सॉरी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। सो बी ऑब्टेन्ड 7336। सो करेक्ट ऑप्शन इज 7336 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव। इस फिगर को अच्छे तरह से देखेंगे और देखेंगे कौन सी लाइन इसको सिमेट्री कर रही है, जो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, और दोनों फिगर को अगर ऐड करते हैं तो ये फिगर कंप्लीट हो जाती है, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया है, देखिए इस प्रकार ये लाइन जो है सिर्फ ओनली वन लाइन जो है सिमेट्री हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज वन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। इस वर्ड से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं और उसको नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो इस वर्ड से हम बना सकते हैं POCKET पॉकेट। अब इस लेटर के लिए जो भी नंबर्स यूज़ हुए हैं उसे हमें नीचे लिखना है। P के लिए नंबर यूज़ किया गया है 3, 0 के लिए 5, C के लिए 4, K के लिए 2 एंड E 6 और T 1। सो नंबर इज 3, 4, 5, 2, 6, 1। ऑप्शन हम देखेंगे कौन सा आ रहा है, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 6, 1 3, 5, 4, 2, 6, 1 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, राघव रिमेंबर डैट द सिस्टर्स बर्थडे इज आफ्टर 12th बट बिफोर 15th ऑफ अक्टूबर, वाइल हिज फादर रिमेंबर डैट हिज डॉटर्स बर्थडे इज आफ्टर 13th बट बिफोर 17th ऑफ अक्टूबर। ऑन विच डेट इज अक्टूबर इज राघव सिस्टर बर्थडे। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू राघव ही सिस्टर बर्थडे कुड बी ऑन डेट 13th और 14th। ओके 13th और 14th, 13th एंड 14th अक्टूबर। देन अकॉर्डिंग टू राघव फादर्स, ओके राघव फादर्स के अकॉर्डिंग योर सिस्टर बर्थडे 14th, 15th और 16th। सो कॉमन नंबर इज 14th एंड 14th, दोनों के कॉमन नंबर 14th आ रहे हैं। सो योर सिस्टर बर्थडे इज 14th अक्टूबर।
So correct answer is option A, 14th October. Question number 6. In which of following figures the given figure is adjectly embedded as one of its part? Option A, B, C and D. So correct answer is option B. This is adjectly embedded on its parts. Question number 7. Count the number of cubes in the given figure. अब हम count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. फिर next हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो इसकल टू 2 + 5 + 8 + 9 इसकल टू 24. सो करेक्ट आंसर इज 24. अब हम ऑप्शन देखते हैं. 24 इज द ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर. प्रॉब्लम फिगर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर कौन से फिगर्स आएंगे तो इसे हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर, कॉर्नर एलिमेंट्स मूव ऑन वन स्टेप आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज. ओके, अलोंग द कॉर्नर इज एवरी नेक्स्ट स्टेप. ऑल्सो रिडल एलिमेंट गेट सेडेड एंड अनसेडेड अल्टरनेटिव. अब देख लेते हैं. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज वन स्टेप मूवमेंट. तो यहाँ पर हमारा हो गया वन स्टेप, नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ ना नेक्स्ट, ये स्टेप यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट हम इस पिक्चर को देखते हैं. एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है. एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, फिर एक स्टेप इधर, फिर एक स्टेप और लास्ट जो यहाँ पर ये स्टेप आ जाएगा. नेक्स्ट इस फिगर को हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है. अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा. फिर हमारा हो जाता है डॉलर, नेक्स्ट स्टेप इधर, फिर एंटी क्लॉकवाइज एक एक स्टेप जा रहा है. तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा. तो दिस फिगर और ये सेडेड एंड अनसेडेड सिक्वेंटली अल्टरनेटिव हो रहे हैं. तो अनसेडेड सेडेड अनसेडेड सेडेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनसेडेड. तो दिस ऑप्शन इज सेम टू ऑप्शन डी. सो डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग MN. अब हम देखते हैं ये MN मिरर दिया गया है. इस फिगर में मिरर इमेज क्या बनेगा. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. अब इसको हम समझेंगे. मिरर इमेज में हमारा इमेज जो है लेफ्ट के इमेज राइट में चले जाते हैं और राइट के इमेज लेफ्ट में चले जाते हैं. तो ये हमारा यू लेफ्ट है तो इधर राइट हो जाएगा. ये सिंबल एज इट इज इधर हो जाएगा लेफ्ट. फिर ये उल्टा एच लिखा गया है, ये सीधा होकर इस तरफ चला आएगा और पी जो है इस प्रकार बन जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा. तो ये ऑप्शन हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द सर्टन रूल इज फॉलो आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज. कौन से रूल ये रो वाइज या कॉलम वाइज फुलफिल किए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा. तो अब हम पहला देखते हैं. रो में 5, 4 = 81 हो रहा है. तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं 5 + 4 = 9 और 9 × 9 = 81. ठीक है. देन नेक्स्ट नीचे वाला हम देखते हैं 3 + 5 = 8, 8 × 8 = 64. ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है. तो ये रो हमारा क्या होगा, 8 + 4 = 12 और 12 × 12 = 144. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आज के लिए इतना ही. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें. थैंक यू.